तर मी गाडी आता पेट्रोल भरलंय थोडस, एक शॉर्ट ब्रेकफास्ट राईड ला जायचंय. सगळे घनसोलीला भेटणार आहेत, सगळे घनसोलीला भेटणार आहेत. ओंकार निघालाय थोड्या वेळ आधीच, महेश पण निघालाय, सुशील तर काय तिथेच राहतो सो तो लगेच येईल. तर आपण कुठे जाणार आहे ते मी सगळ्या भेटल्यावर सांगणार, सगळे भेटल्यावर सांगणार. आणि मला खूप लोकांनी सांगितलंय की हिंदी मध्ये ब्लॉग कर, कारण की त्याच्यावर युट्यूबवर त्याच्यामध्ये युट्यूबवर खूप रिच भेटतो. तो अबसे हम कोशिश करे की हिंदी में ब्लॉग करने की. ते मध्ये मध्ये थोडं मराठी गेलंच, पण ठीक आहे, अबसे हिंदी में ब्लॉग करेगे, देखते हैं कितना रिच मिलता है, कितना क्या होता है. अभी तो स्टार्टिंग है बस. सो मैंने अभी रिसेंटली गोप्रो लिया है, एक वीक हुआ रहेगा, एंड परसों ही मेरा माइक आया है मनाओ का. सो उसका भी आज फर्स्ट ट्राई है, देखते हैं कैसा चलता है, नॉइज सप्रेशन कैसा है, देखते हैं आज. अभी टाइम हो रहा है 7:15. सो जहां हम जा रहे हैं वो इतना दूर भी नहीं है, इट्स अबाउट 1.5 hours. सो देखते हैं. तो ओंकार भी आ गया है, सब लोग आ गए हैं. तो हम लोग अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं बदलापुर बारवी डैम के लिए. वहां हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं और कुछ कर सकते हैं. तो गाइस हम निकल पड़े अपने राइड के लिए, ब्रेकफास्ट राइड के लिए बारवी डैम के लिए, जो कि है बदलापुर में. अभी सनराइज हो रहा है, हल्का हल्का सा सनराइज हो रहा है. बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है सनराइज का. ये जो ब्रिज है इन्हीं पर से ये सनराइज दिखता है मोस्टली, क्योंकि आगे जाके जो हाईवे चालू होता है वहां साइड में पहाड़ होने की वजह से और फिर बाद में बिल्डिंग होने की वजह से सनराइज नहीं दिख पाता. जैसे कि अभी आप देख रहे हो, हम लोग जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं बिल्डिंग और पहाड़ों की वजह से, ये जो सन है वो पीछे जा रहा है, वो वहां एक ही पहाड़ है इसके वजह से चुप जाएगा थोड़ी देर में. तो अभी हम कल्याण शिरफाटा बोल सकते हैं आप लोग, वहां जाने वाले रास्ते पर लग गए. ये शॉर्टकट रास्ता है एक्चुअली. अगर हम ये वाला शॉर्टकट नहीं लेते तो हमें इस वाले हाईवे से घूम के आना पड़ता, जो कि बहुत हसल है, क्योंकि इस हाईवे पे अभी ट्रैफिक नहीं है, बट यूजुअली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत मतलब बहुत. सो सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं होगा, बस ट्रक का रहेगा, जो नॉर्मल हाईवे ट्रैफिक रहता है थोड़ा सा वही रहता है और कुछ नहीं. बट अगर हम यहाँ अराउंड 10 या 11 आते तो बहुत ट्रैफिक मिलता, और शाम के टाइम 5 से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक रहता है यहाँ पर बहुत. तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, ये मॉल है साइड में पलावा सिटी वाला. और यहाँ से बस थोड़ा आगे जाके हम लोग अगर राइट ले गए तो हाईवे लग जाएगा बदलापुर जाने वाला. देख सकते हैं आगे अहमदाबाद नासिक भिवंडी कल्याण स्ट्रेट और कर्जत माथेरान मुरबाड़ बदलापुर राइट. तो हमें लेना है राइट. अभी थोड़ा कंप्लीट हुआ है, नहीं तो पहले इसका काम चालू था. यहाँ बहुत रश रहती थी, अभी ठीक है और बहुत बढ़िया फील आ रहा है.
सुबह की राइड साइड में सरप्राइज हो रहा है, फॉग है रास्ते पर, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और खराब रास्ता चालू हो गया, जो पीछे का पैच था उसका रास्ता बहुत ही खराब है। यहाँ पे गड्ढे हैं बड़े बड़े और बीच में ही आ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा पैच चालू होता है और फिर बीच में ही खड़ा। काम तो चालू है क्योंकि जो मेरे राइट साइड में रोड है उसका काम चालू है, इसका भी चालू हो जाएगा आई गेस जल्दी ही। बहुत ही खड्डे है तो अभी जस्ट हमने मेवाड़ी नाका क्रॉस किया तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बदलापुर देखा जाए तो, पर हमें बदलापुर गांव में जाना है यानी मूल गांव में जाना है, तो वहां जाने के लिए बदलापुर से और हाफ एन आवर कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा स्नो लेके उनके लिए वेट कर रहा हूँ। आ गए वो लोग भी भगाने लगे शायद खाली रास्ता देख के। बट खड्डा बहुत बड़ा था, अगर ट्रक नहीं होती तो लॉन्च कर लेता, ट्रक की वजह से वो दिखाई नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्रक कटी गड्ढे के सामने था, इसलिए बड़ी गाड़ियों को डील नहीं करते। तो वी आर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बदलापुर। हमें बस डिसाइड करना है लेफ्ट से जाना है या सीधा जाना है, क्योंकि अगर हम सीधा चले गए तो सिटी आएगी और लेफ्ट से गए तो हाईवे वाला रूट है। अभी उनका सीधा सीधा ही जा रहा है तो ठीक है सीधा ही चलते हैं। वैसे मुझे जो सीधा रास्ता है ना उसी के बारे में पता है, हाईवे वाला रास्ता मुझे पसंद नहीं है। तो आ गए हम बदलापुर में, दिस इज बदलापुर सिटी, मतलब ये हाईवे है, सिटी इस तरफ है और थोड़ी आगे है। यहाँ पर वो ईस्ट वेस्ट वाला सिस्टम चलता है, तो आगे से अगर हम लोग लेफ्ट लेंगे तो स्टेशन आएगा, स्टेशन के उस पार ईस्ट इस पार वेस्ट ऐसा कुछ तो है, तो हमें स्टेशन के उस पार जाना है। आगे से लेफ्ट लेके हम लोग एक ब्रिज चढ़ेंगे उस पर से उस पार जाएंगे और वहाँ से मुड़वा जाएंगे। तो हम लोग सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये स्टेशन रोड है, आगे स्टेशन है और यहाँ से हमें ऊपर ब्रिज चढ़ना है और इस बस के पीछे पीछे ही चढ़ना होगा। So, ये ब्रिज उतरते ही हम सिटी के दूसरे साइड आ जाएंगे स्टेशन क्रॉस करके। बदलापुर गांव का रास्ता चालू,
नजारा, सुबह की हल्की धूप आ रही है। फील हो रही है मेरे वाइजर के थ्रू मेरे आंखों पर, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो ये रास्ता बारहवीं डैम जाता है सीधा, तो आगे यहाँ जो हाइक दिख रही है आपको रास्ते पर, हम रुकेंगे खाना पीछे और नाश्ता करने के लिए। जो ब्रेकफास्ट राइड बोले थे हम वो पूरी करेंगे और उसके बाद डैम जाएंगे। सो अब यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं और फिर आगे जाएंगे। गाइस राइड के बाद हम यहाँ रुके हैं मतलब और मुड़गांव, और यहाँ हम लोग खा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम लोग बारहवीं टाइम के लिए निकलेंगे, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। वहां से निकल गए जहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। अब यहाँ से सीधा सीधा हम जाएंगे बारहवीं डैम। बारहवीं डैम के लिए जाने के लिए ऐसे ही रास्ता है, एकदम सीधा सीधा रास्ता है। ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल मस्ती सूझ रही है। और ये बारहवीं डैम आ गया, वहां ऊपर लिखा हुआ है बारहवीं डैम। ये ब्रिज है, यहाँ बारिश में पूरा उड़े जाए आपल्याला पानी बघायला, एवढं पाणी बघ ना, डॅम का व्ह्यू है। सो उस तरफ जो पानी इकट्ठा होता है और जब डैम भर जाता है तो वहां से डोर खोल देते हैं, तो डोर खोलने के बाद यहां से पानी चालू हो जाता है जाना। क्या बोल रहे हैं खोलने में? यहाँ अब हम बारहवीं जंगल की तरफ जा रहे हैं जो डैम के जस्ट बाजू में। सो यहाँ से डैम आपको दिख रहा होगा, साइड में जो डैम है, साइड व्यू है डैम का। और यहाँ से हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये एक्चुअली मुरबाड़ का रास्ता भी आप बोल सकते हैं, ये रास्ता मुरबाड़ की तरफ भी जाता है। ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। सुंदर रास्ता है, इस रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत मजा आता है।